हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एक्टिव लर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट से बहुत सिंपल से टॉपिक है, कैपेसिटी प्लानिंग। आज हम देखेंगे उसके डेफिनेशन, गोल, फॉर्मूला, क्वेश्चन टाइप्स, डिफरेंट स्टेप्स, उसके बेनिफिट्स विद एग्जाम्पल। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं कि कैपेसिटी का मतलब क्या है। कैपेसिटी का सिंपल सा मतलब क्या है कि उसकी क्षमता क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है। ठीक है, ये प्रोडक्शन टर्म से कैसा होगा कि मान लो हमारी जो प्रोडक्शन सिस्टम है, ये 10,000 हम पर मंथ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो क्या होगी, हमारी क्षमता होगी, हमारी जी कैपेसिटी होगी। मीन्स उसके 10,000 से हम ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उतनी ही हमारी कैपेसिटी है। ठीक है, और प्लानिंग का मतलब है जो भी हमारी कैपेसिटी है, जो भी जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस है, उसके हिसाब से हमें प्लान करना। ठीक है, अब हम देखते हैं उसके डेफिनेशन। कैपेसिटी प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी नीडेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू मीट चेंजिंग डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट्स। मीन्स क्या है वो, एक कैपेसिटी प्लानिंग का ऐसी प्रोसेस है, हमें क्या डिटरमाइन करना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी नीडेड, कि क्या हमें नीडेड है, कितनी हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, किसके लिए, टू मीट चेंजिंग डिमांड फॉर इट प्रोडक्ट। हमारे जो चेंजिंग डिमांड होता है प्रोडक्ट की, हमें वो मीट करनी है। ठीक है, मीन्स चेंजिंग डिमांड का मतलब क्या है कि मान लो हमें इस मंथ 1,000 का कस्टमर रिक्वायरमेंट है, कितना है 1,000 पर मंथ, क्या है डिमांड है, मीन्स कस्टमर रिक्वायरमेंट इस मंथ में, तो नेक्स्ट मंथ में क्या हो गया, 800 हो गया। ठीक है, मीन्स क्या हो गया, हमारी जो कस्टमर रिक्वायरमेंट कम हो गई। नेक्स्ट मंथ में हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, मान लो हमें 2,000 इतना ही प्रोड्यूस करना है। ठीक है, मीन्स इस थर्ड मंथ में हमारी जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट है, वो हमें हमारी रिक्वायरमेंट, कस्टमर रिक्वायरमेंट बढ़ गई, उसको कहते हैं चेंजिंग डिमांड। मीन्स हर बार हर मंथ में चेंज हो रही है, ठीक है, उसको कहते हैं चेंजिंग डिमांड। वो चेंजिंग डिमांड को हमें अच्छी तरह से फुलफिल करना है, उसको कहते हैं, इसलिए हम यूज़ करते हैं कैपेसिटी प्लानिंग। जो हमारी चेंजिंग डिमांड होती है उसको हमें फुलफिल करना, इसको कहते हैं कैपेसिटी प्लानिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं उसके गोल क्या है। टू मीट द करंट एंड फ्यूचर लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट एट मिनिमम वेस्टेज। करंट एंड फ्यूचर, अभी हमने एग्जांपल देखा उसके हिसाब से, करंट मीन्स 1,000 क्या हो गया, करंट रिक्वायरमेंट, नहीं फ्यूचर मीन्स वो 800 और 2,000। ठीक है, ये क्या हो गया, फ्यूचर रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से हमें जो कैपेसिटी प्लानिंग है वो करना है। एट अ मिनिमम वेस्टेज मीन्स हमें वेस्टेज कम करना है। ठीक है, वेस्टेज कम करने में कैपेसिटी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसकी फॉर्मूला क्या है। कैपेसिटी इज कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ मशीन और वर्कर, मीन्स कौन सा भी एक लिख सकते हैं, कितने मशीन हम उस प्रोडक्ट को फुलफिल करने के लिए यूज कर रहे हैं, इन टू करने वाले हैं, नंबर ऑफ शिफ्ट, कितने शिफ्ट हमें रिक्वायर है, इनटू यूटिलाइजेशन, इनटू इफिशियंसी। यूटिलाइजेशन कैसे निकालते हैं, उसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आपको बताती हूँ मैं। यूटिलाइजेशन का मतलब है एक्चुअल आउटपुट देन डिजाइन कैपेसिटी, जो भी हमें डिजाइन करते हैं वो डिजाइन कैपेसिटी, एक्चुअल डिवाइडेड बाई डिज़ाइन कैपेसिटी। एक्चुअल हम जो एक्चुअल करने वाले हो, हमने पहले डिज़ाइन किया है, ये यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला है। इफिशियंसी का मतलब क्या है कि जो हम फॉर्मूला क्या है इफिशियंसी का, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव कैपेसिटी। दोनों भी परसेंटेज में है, ए भी परसेंटेज में, ए परसेंटेज में, ए यूनिट में, सॉरी ओ भी यूनिट में, ये दोनों यूनिट में लिखना पड़ता है, दोनों परसेंटेज में। ठीक है, एग्जाम में उसके कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं पूछते, बट आपको एक एक्स्ट्रा के लिए मैं बता रही हूँ कि उसके कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं उसके क्वेश्चन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो तीन क्वेश्चन होते हैं ना, उसके हिसाब से हमें कैपेसिटी प्लानिंग करना, ध्यान देना पड़ता है कि उसके हिसाब से हमें, जब हम कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं ना, वो दैट टाइम हमें ना तीन ही जो तीन क्वेश्चन है
हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उसके हिसाब से हमें कैपेसिटी प्लानिंग करना है। फर्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड, मीन्स किस टाइप की हमें कैपेसिटी चाहिए, जो वो किस पर डिपेंड होता है, किस टाइप के हम वर्कर यूज़ करने वाले हैं, किस टाइप के मशीन टूल्स रॉ मटेरियल यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। हाउ मच कैपेसिटी इज़ रिक्वायर्ड मीन्स कितनी कैपेसिटी चाहिए हमें प्रोडक्शन को फुलफिल करने के लिए, प्रोडक्शन को मीट करने के लिए। थर्ड है व्हेन कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड, हमें कब चाहिए कैपेसिटी, ठीक है। तीनों क्वेश्चन जो होता है ना उसके हिसाब से हमें कैपेसिटी प्लान करनी पड़ती है, ठीक है। अब हम देखते हैं उसके टाइप्स कौन से हैं। बेसिकली थ्री टाइप्स है, बहुत सिंपल है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट लगता है और बहुत साल के लिए होता है, बट 10 ईयर या 20 ईयर के लिए होता है। उसके लिए फंडिंग बहुत ज़्यादा लगती है, कैपिटल बहुत इन्वेस्टमेंट फुट करना पड़ता है, ठीक है। मीडियम टर्म में क्या होता है कि 2 या 3 साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा कम कैपिटल लगता है लॉन्ग टर्म से। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि उसमें टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम होता है, फॉर एग्जांपल हम वीकली, डेली, क्वार्टरली, मंथली जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। उसके लिए रिसोर्सेज भी कम लगते हैं, थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट भी कम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है, डिफरेंट स्टेप्स है जो कैपेसिटी प्लानिंग करते समय हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट्स, मीन्स कितने रिक्वायरमेंट कौन से लगने वाले हैं वो हमें पहले डिटरमाइन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमें जो वर्कर लगने वाले, कौन से वर्कर लगने वाले, स्किल, सेमी स्किल, फुली स्किल जो वर्कर होते हैं वो। देन हमें जो मशीन्स लगने वाले, किस टाइप के मशीन लगने वाले, ऑटोमेटिक मशीन लगने वाले, सेमी ऑटोमेटिक या जो हैंड ऑपरेटिंग मशीन होते वो, किस टाइप की मशीन लगने वाले, वो सब हमें डिटरमाइन करना है। रॉ मटेरियल कौन से लगने वाले हैं वो सब हमें अच्छी तरह से डिटरमाइन करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि एनालाइज द करंट कैपेसिटी, फिर डिटरमाइन कर रिक्वायरमेंट डिटरमाइन करने के बाद हमें करंट कैपेसिटी हमारे पास कितने अवेलेबल है वो भी एनालिसिस करना पड़ता है, कि उसके हिसाब से हमारा फ्यूचर रिक्वायरमेंट, फ्यूचर हमें जो प्लानिंग है वो करनी पड़ती है। थर्ड है प्लानिंग ऑफ फ्यूचर, सेम फर्स्ट हो गया रिक्वायरमेंट, देन हो गया एनालिसिस ऑफ करंट, मुझे करंट मीन्स करंट कैपेसिटी एनालिसिस करना। थर्ड है लास्ट स्टेप है प्लानिंग ऑफ फ्यूचर, मीन फ्यूचर के हिसाब से हमें प्लान करना। मीन्स देख मान लो आप एग्जाम्पल दिया था मैंने अभी, इसमें एग्जाम्पल दिया था, मान लो हमें इस मंथ में 1000 था ना, तो कितने रिसोर्सेज ज़्यादा लगने वाले, इस मंथ में रिसोर्सेज कम लगने वाले, ठीक है। और लास्ट मंथ भी थर्ड मंथ है 2000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगने वाले, इसको कहते हैं फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं उसकी डिफरेंट बेनिफिट्स कौन से हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स है बट मैंने 4 ही बेनिफिट्स लिखे हैं, ठीक है। फर्स्ट है लो इन्वेस्टमेंट एट हाई प्रॉफिट, हम कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट ला सकते हैं। सेकेंड है टू मिनिमाइज द वेस्टेज, कम वेस्टेज कम करने में बहुत कैपेसिटी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है मैनेज इन्वेंटरी, जो हमारी इन्वेंटरी जो होती है, फिजिकल गुड्स होते हैं, जैसे सेमी फिनिश गुड्स होते हैं ना, वो इजीली हम मैनेज कर सकते हैं। लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, जब हम न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते हैं ना, दैट टाइम हमारे जो कैपेसिटी प्लानिंग है बहुत इंपॉर्टेंट, हमारी हमें मदद करती है और हेल्पफुल है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट वगैरह हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगर आपको ये वीडियो डिटेल में चाहिए, कुछ अलग टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।